लेक्चर नंबर 9, चैप्टर नंबर 3, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी किए थे, ओके? अब उसी को हमें कंटिन्यू करना है और इस स्पेशल केस को वो इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करना है। ये जो भी टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल। तो फ्री फॉल समझने के लिए यहाँ पे हम अर्थ कंसिडर करेंगे। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द अर्थ सरफेस, ओके? अब इस अर्थ सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करते हैं हैविंग मास m। अब ये अर्थ इस छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करेगा और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो भी डायरेक्शन होगा इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स एक्ट होता है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होगा, ओके? अब इस केस में इस अर्थ की वजह से इस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट हो रहा है वो नीचे के डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली उस बॉडी का नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब वो जो भी एक्सेलरेशन है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स इन दैट बॉडी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, इन दिस बॉडी। तो इस बॉडी में जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो भी एक्सेलरेशन है दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, ओके? अब ये जो भी वैल्यू हमने लिया है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम फिक्स कंसिडर करेंगे दो कंडीशंस यहां पे अप्लाई करके। द फर्स्ट कंडीशन इज देर इज नो एयर रेजिस्टेंस। यहां पे हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो डेफिनेटली जो भी नेट एक्सेलरेशन होता इस बॉडी का वो कम होता क्योंकि एयर उसको अपोज करेगा मोशन को, ओके? तो इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। सेकंड वन इज जो भी अल्टीट्यूड है इट इज वेरी वेरी लेस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टीट्यूड? अल्टीट्यूड मीन्स इट्स अ हाइट। तो यहां से लेके यहां तक का जो भी हाइट है दिस हाइट इज कॉल्ड एन अल्टीट्यूड, ओके? तो अल्टीट्यूड शुड बी लेस। अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। अब ये लेस मीन्स व्हाट? कितना? तो एच जो भी होगा इट शुड बी वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब रेडियस ऑफ द अर्थ जो भी होता है वो 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर, ओके? तो हम जो भी मोशन स्टडी करने वाले हैं जहाँ से उसको हम फॉल करेंगे या जब जिस हाइट तक वो बॉडी जाएगा तो वो हाइट इट शुड बी वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये कंडीशन होना चाहिए। अब लेस मीन्स कितना कम होना चाहिए? एच की वैल्यू इस केस में 100 मीटर हम ले सकते हैं, 200 मीटर तक हम ले सकते हैं, 10 मीटर ले सकते हैं, क्योंकि ये जो भी वैल्यूज है इसके कंपेरिजन में बहुत बहुत कम है। और इस कम अल्टीट्यूड पे किसी भी पॉइंट पे, ओके, किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लेते हैं तो वो इतना ही आएगा, लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दो कंडीशंस अप्लाई करके जब हम मोशन को स्टडी करेंगे तो उस मोशन में जो भी उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा उसको हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, ओके? एयर रेजिस्टेंस नहीं है, लेस अल्टीट्यूड है, ओके? तो अब ग्रेविटी के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और वो बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगा? टुवर्ड्स द
सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी सरफेस की तरफ वो बॉडी जाएगा। तो इस टाइप के मोशन को हम फ्री फॉल कहेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया तो डेफिनेटली ये ग्रेविट अर्थ के सरफेस की तरफ जाएगा, तो इसके मोशन को हम कहेंगे फ्री फॉल। ओके, उस केस में इस बॉडी का जो भी एक्सेलरेशन होगा इट शुड बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था डिस्कशन। अब यहाँ पे तीन केसेस आते हैं। द फर्स्ट वन, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। अब मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ओके, और ये अर्थ का सरफेस है, दिस इज द अर्थ सरफेस। अब इस बिल्डिंग से हमें इस एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना है, और वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो वाला ये ऑब्जेक्ट है, इसको जस्ट ड्रॉप करना है। ओके, यहाँ पे तीन केसेस हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट केसेस, इफ द बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। अब इस बिल्डिंग की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक मान के चलिए कि एच इतनी हाइट है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप करते हैं, छोड़ दिया सिर्फ, ओके, अगर हम छोड़ रहे सिर्फ, तो उस वक्त जैसे हम ड्रॉप कर रहे हैं उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगा इट शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम जस्ट छोड़ रहे हैं उसको, ड्रॉप कर रहे हैं। अब ये जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पूरे यहाँ तक आने तक ऑब्जेक्ट, वो एच इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब मान के चलिए कि एच इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, या इस डायरेक्शन में जब भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डिस्प्लेसमेंट को हम एच कंसिडर करके चलते हैं। ओके, ये एच यहाँ पे हाइट नहीं है, सो एच इज अ डिस्टेंस इन टी टाइम इंटरवल टी। ओके, टी इतने टाइम में एच इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब इस बॉडी का जो भी एक्सेलेरेशन हो रहा है, दैट एक्सेलेरेशन इज अ स्मॉल जी, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ओके, अब इस केस में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस केस में जो भी हम ओरिजिन कंसिडर कर रहे हैं, सो दिस इज दैट ओरिजिन, यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है और टुवर्ड्स द अर्थ सर्फेस, जैसे जैसे इसका मूवमेंट होगा तो एच की वैल्यू हमेशा बढ़ते जाएगा। ओके, टाइम भी बढ़ रहा है, एच की वैल्यू भी बढ़ेगा इन दिस वे। अब इस डायरेक्शन में जो भी वैल्यू है, ओके, तो एक्सेलरेशन है जी। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं, तो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे थे, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ। सो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन था। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये सेकेंड इक्वेशन था। थर्ड इक्वेशन था एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन था, सॉरी ए टी स्क्वायर। ओके, और nth सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो पार्टिकल, वो था u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में ट्वाइस एन माइनस वन, ये चारों इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब ये इक्वेशन इस स्पेशल केस के लिए हमें अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे टी इतने वक्त पे, फाइनल वेलोसिटी हम वी कंसिडर करके चलते हैं। सो वी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना था, जीरो है, एक्सेलरेशन कितना है, स्मॉल जी है, तो जीरो प्लस जी टी, सिंपली मैं जी टी लिख लेता हूँ, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कौन सा आया, तो सेकेंड इक्वेशन में वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर की वैल्यू जीरो होगा, टू जी एच, ये सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या होगा बेटा, थर्ड इक्वेशन में एस इज इक्वल टू यू टी, यू की वैल्यू जीरो है इस केस में, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा, सो एच इज इक्वल टू हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। और nth सेकंड में, ओके, nth सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू जी बाई टू twice n minus 1, so these are the four equations. Okay, special केस के लिए चार equations यहाँ पे हमें मिल चुके हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब जब भी free fall होता है तो free fall के लिए equations of motion कुछ इस तरीके से हमें मिल गई यहाँ पे। Okay, now सबसे पहले अब ये equation तो हमें मिल गया, अब जब भी motion हो रहा है, ओके, तो इस पार्टिकल को थोड़ा एनालिसिस करते हैं, तो उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, तो एच की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है,
एच की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ेगी, वेलोसिटी भी कंटिन्यूसली बढ़ेगा, एक्सेलरेशन जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा और उसकी वैल्यू होगा जी। इफ़ यू प्लॉट द ग्राफ, ओके, तीन ग्राफ्स हमें इस केस के लिए प्लॉट करने हैं। फर्स्ट वन, इट इज़ इन बिटवीन, फर्स्ट ग्राफ जो भी है इट इज़ इन बिटवीन टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या पोजिशन। सेकेंड ग्राफ जो भी है इट इज़ इन बिटवीन टाइम वर्सेस वेलोसिटी। थर्ड ग्राफ जो भी है इट इज़ इन बिटवीन टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन। ओके, तो अब ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो फर्स्ट ग्राफ क्या आएगा देखिए, तो फर्स्ट ग्राफ जो भी है टाइम के साथ साथ जो भी हाइट या जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, सो दैट वैरीज लाइक दिस वन, इन दिस वे इट वैरीज। स्टार्टिंग में टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कम वैरी करेगा, लेकिन बाद में वैरी डिस्टेंस ज़्यादा वैरी करेगा क्योंकि उस पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ओके, अब इस केस में जैसे कि हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में देखा था, अगर मैं यहाँ पे पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, टाइम पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, तो हर बार थीटा की वैल्यू जो भी है वो बढ़ रहा है। तो इस केस में हमें ये दिखता है कि वेलोसिटी जो भी है वो इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी जो भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, इस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगा और सेकंड पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ये था पोजिशन और टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दैट ग्राफ इज लाइक दिस वन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन आएगा कुछ इस तरीके का। अब इस केस में हर पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे टाइम एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस ड्रॉ किए हुए लाइन ने जो भी एंगल किया है, तो हर इंस्टेंट पे थीटा की वैल्यू सेम है। अगर थीटा की वैल्यू सेम है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, और इस केस में एक्सेलरेशन कितना है बेटा, इट्स अ स्मॉल जी। ये टाइम वर्सेस पोजिशन ग्राफ, टाइम वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ आ गया। अब टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, सो दिस ग्राफ शुड बी लाइक दिस वन, क्योंकि हर टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, इट इज़ इक्वल टू स्मॉल जी। ओके, ये तीन टाइप के ग्राफ है। ओके, अब मुझे इस इक्वेशन को लेकर थोड़ा डिस्कस करना है। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे देखिए, यू कैन वी कैन राइट हियर, एच इज़ इक्वल टू 1/2 g t2। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो h की वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो h की वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पे h इज़ प्रोपोर्शनल टू t स्क्वेयर आएगा, क्योंकि 1/2 g जो भी है वो कांस्टेंट है। ओके, इस मोशन के लिए g कांस्टेंट है, 1/2 तो नंबर है, तो ये कांस्टेंट होगा। देयरफॉर h इज़ प्रोपोर्शनल टू t स्क्वेयर। अब इसके बेसिस पे यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब मान के चलिए कि फर्स्ट सेकंड में, यानी जब एक सेकंड हो चुका है मोशन स्टार्ट होने के बाद, उस पार्टिकल ने जो भी डिस्टेंस कवर किया है वो h1 है। ओके, सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है इट इज़ इक्वल टू h2। थर्ड सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है इट इज़ इक्वल टू h3। ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे पहले सेकंड में डिस्टेंस ने कितना ट्रैवल किया है, h1 इतना। पहले दो सेकंड में, जब से मोशन स्टार्ट हुआ है तब से हम टाइम काउंट कर रहे हैं, पहले दो सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने, h1 + h2। पहले तीन सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने, h1 + h2 + h3। समझ में आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जब मोशन स्टार्ट हुआ, एक सेकंड होने के बाद पार्टिकल यहाँ था, दो सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ पे था, तीन सेकंड तक पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, तो पहले तीन सेकंड में उसने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है पहले तीन सेकंड में, इट इज़ इक्वल टू h1 + h2 + h3। ओके, पहले दो सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, h1 + h2। पहले एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, h1। ये था डिस्कशन। ओके, अब यहाँ पे इस इक्वेशन के बेसिस पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम कोई भी एक सेकंड लेते हुए टाइम हम t- कंसिडर करते हैं, सो t-3t-. ओके, इस इंटरवल में जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है उनका रेशियो अगर हम लेते हैं, तो दैट रेशियो इज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इट इज इक्वल टू 1:2
टू स्क्वायर, वन स्क्वायर टू टू स्क्वायर टू थ्री स्क्वायर ऐसे आएगा, यानी वन एस टू फोर एस टू नाइन आएगा. ओके, अब वन जो भी है, वन जो भी है यानी टी टाइम टी डैश इतने टाइम इंटरवल में जो भी वन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे वो एच वन है. फोर जो भी है वो एच वन प्लस एच टू है. नाइन जो भी है वो एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री है. तो इन दिस रेशियो द डिस्टेंस कैन वैरी. तो कोई भी दो डिस्टेंस का अगर रेशियो फाइंड आउट करना है, ओके, तो हम ये इक्वेशन, ये जो भी यहाँ पे इक्वेशन है इसके बेसिस पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ये था डिस्कशन. अब इसी केस में अगर इस इक्वेशन को हम कंसिडर करते हैं तो nth सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेकंड सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, थर्ड सेकंड में ही जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो ये जो भी है दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन अ फर्स्ट सेकंड ओनली, दिस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड इन अ सेकंड सेकंड ओनली. तो ऐसा अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो रेशियो आएगा, इट इज़ ए वन एस टू थ्री एस टू फाइव एस टू, इन दिस पे सेवन, इन दिस पे वैल्यू होता है. ओके, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस है सिर्फ फर्स्ट सेकंड में जो भी ट्रैवल किया है. ये है फर्स्ट सेकंड कंप्लीट होने के बाद अप टू थर्ड सेकंड जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो ये वाला है, और ये जो भी है सेकंड सेकंड कंप्लीट होने के बाद थर्ड सेकंड जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो होगा. तो ये रेशियोज हमें याद रखना है, इनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इजीली एक्ट हम समझ में आएगा. तो यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं तो ये एच वन होगा, ये H2 होगा और ये H3 होगा, यानी थर्ड सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सेकंड सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, थर्ड सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन दिस वे. ओके, तो इसको हमें याद रखना है. नेक्स्ट वन, इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले केस से थोड़ा डिफरेंट है. ओके, तो इस केस में वही बिल्डिंग हम कंसिडर करेंगे और ये जो भी सरफेस है दिस इज अर्थ सरफेस, और उसी तरह एक ऑब्जेक्ट को यहां से हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं नीचे के डायरेक्शन में, लेकिन जस्ट हम उसको छोड़ नहीं रहे, उसको हम कुछ वेलोसिटी देके छोड़ रहे हैं. ओके, ड्रॉप कर रहे हैं. इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ड्रॉप करे विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, ओके, प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी हम यू कंसिडर करेंगे. मान के चलिए कि उसने एच इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया टी इतने टाइम इंटरवल में और बॉडी यहाँ पे पहुँच चुका है और यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी है वी. ओके, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी वी है, पूरे ड्यूरेशन में जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है वो एक्सेलरेशन है जी. तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है एक पर्टिकुलर टाइम टी पे, और जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको हम एच कंसिडर कर रहे हैं, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसके लिए जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशंस हम लिख सकते हैं वो हो गए वी इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा. सेकेंड इक्वेशन जो भी आएगा वो है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच. थर्ड इक्वेशन जो भी है एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, और एनथ सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इज इक्वल्स टू यू प्लस जी बाय टू ट्वाइस एन माइनस वन. तो ये इक्वेशन हमें यूज करने हैं. ओके, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, उस वक्त अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो ये सभी इक्वेशंस हमें यूज करने होंगे. अगर सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं तो इसमें से यू का टर्म पूरा निकल जाएगा, वी इज इक्वल टू जी टी होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एस, इन दिस वे वही इक्वेशन जो पहले केस में देखे हैं. यहाँ पे जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे तो ओरिजिन जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं वो ओरिजिन यहाँ पे है. ओके, और नीचे के डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, जैसे जैसे एच बढ़ रहा है, ओके, इन दिस डायरेक्शन, तो एच की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. तो ये इक्वेशन हमें यूज करना है. ओके, तो इसके ग्राफ्स कैसे होंगे वो भी आप प्लॉट करके देख सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वही बिल्डिंग हम यहां पे ड्रॉ करेंगे.
ओके वही बिल्डिंग हम ड्रॉ करेंगे और ये होगा आर सरफेस। अब यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं विथ सम इनिशियल वेलोसिटी यू। ओके जैसे हम ऊपर उसको थ्रो करेंगे तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट जो भी है वो ऊपर जाएगा, लेकिन जाते जाते अर्थ के कारण जो भी एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा था, दैट इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। ओके तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मोशन जो भी है जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, तो मान के चलिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक आया एक इंस्टेंट पे, जब टाइम की वैल्यू हो चुका है टी, तो इस वक्त उसकी वेलोसिटी है वी। ओके फाइनल वेलोसिटी उसको हम कंसिडर करेंगे, जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस हम कंसिडर करके चलते हैं एच। तो एच जो भी हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे देखिए एक थोड़ा चेंज है, तो ओरिजिन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं और मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ओके जो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा तो एच की वैल्यू हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है वो नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है। ओके तो फॉर दिस केस जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे वो कैसे होंगे, सो वी इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो भी है उसका डायरेक्शन अब डाउनवर्ड होने के कारण वो मोशन के अपोज में डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम उसको माइनस कंसिडर कर रहे हैं। सेकंड है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ओके दिस इज द सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है एच इज इक्वल्स टू यू टी माइनस वन बाय टू जी टी स्क्वायर। ओके ये दो तीन इक्वेशंस हो गए। फोर्थ जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो nth सेकंड में, दिस इज इक्वल्स टू यू माइनस जी बाय टू ट्वाइस एन माइनस वन। ओके तो ये इक्वेशंस यहाँ पे हम लिख चुके हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर दिस सिचुएशन व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज इतना है कि एक्सेलरेशन जो भी है वो नीचे के डायरेक्शन में होगा, यानी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है तो जैसे जैसे पार्टिकल मूव होगा ऊपर तो वैसे वैसे उस पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू कम कम होते जाएगा। ओके और एक वक्त ऐसा आ सकता है कि किसी एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, किसी एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगा और उस वेलोसिटी जिस पॉइंट पे जीरो हो रहा है वो मैक्सिमम हाइट उसने कवर किया होगा। ओके उसका डिस्कशन थोड़ी देर बाद हम करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ्स प्लॉट करते हैं कौन कौन से इसमें, सो पोजिशन वर्सेस टाइम फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, थर्ड ग्राफ एक्सेलरेशन सॉरी टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन, टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन। ओके तो ग्राफ्स कैसे आएंगे थोड़ा देखिए ध्यान से। तो फर्स्ट जो भी ग्राफ आएगा उस केस में तो पोजीशन जो भी चेंज हो रहा है तो कुछ इस तरीके का चेंज होगा। अब यहां पे आप देख सकते हो जैसे मोशन इसका स्टार्ट हुआ, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ था, पार्टिकल ऊपर जाएगा। ओके पार्टिकल ऊपर जाते वक्त उसको डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी कम कम होती जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने मैक्सिमम हाइट रीच किया होगा, उसके बाद पार्टिकल नीचे के डायरेक्शन में और वापस आएगा, नीचे के डायरेक्शन वापस आएगा। तो इस केस में अगर हम पोजीशन देखते हैं तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पोजीशन बढ़ रहा था अप टू मैक्सिमम हाइट, बाद में पोजीशन और कम हो रहा है और जीरो पे आ रहा है। ओके सो पोजीशन बढ़ रहा है, इट रीच मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, उसके बाद और उसका पोजीशन कम हो रहा है, वो इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गया। तो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे देखते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, जब हमने उसको ऊपर थ्रो किया था ओके विथ वेलोसिटी यू, तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम कम कम होते गया, एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर पार्टिकल जब वापस आ रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो चुका है, वेलोसिटी का डायरेक्शन अब बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आ रहा है पार्टिकल। ओके उसी डायग्राम पे अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं तो वेलोसिटी का जो भी ग्राफ आएगा इट इज़ लाइक दिस वन। तो पहले जो भी वेलोसिटी था इट्स अ इनिशियल वेलोसिटी,
ओके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू कम कम होती जा रही है, लेकिन इस पूरे अप टू दिस पॉइंट ओके वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव था, भले ही वो कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ से फिर वेलोसिटी जो भी है वो निगेटिव में बढ़ रहा है इन दिस पे, तो यहाँ पे ये जो भी आएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू आएगा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम हो रहा है। अगर हम किसी भी एक पॉइंट पे कंसिडर करते हैं तो इस पॉइंट पे जाते वक्त वेलोसिटी अगर वी है डायरेक्शन ऊपर यानी पॉजिटिव वेलोसिटी, लेकिन बाद में जब वापस आएगा मैक्सिमम हाइट रीच करके तो उस वक्त इस पॉइंट पे उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन सिर्फ डाउनवर्ड होगा। ओके उसी तरह जब हमने उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया था ऊपर के डायरेक्शन में विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, तो उसका डायरेक्शन कैसा था? ऊपर था। जब पार्टिकल हाई मैक्सिमम हाइट रीच करके वापस आएगा उसी पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी होगा माइनस ऑफ यू। माइनस क्यों कंसिडर कर रहे? क्योंकि जाते वक्त वो पॉजिटिव था, आते वक्त वो निगेटिव में है। ओके दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे भी जाते वक्त वी कंसिडर करें तो आते वक्त माइनस वी होगा, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होगा। सो इन दिस वे, सो ये था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे होगा देखिए, तो हर वक्त पूरे प्रोसेस में निगेटिव एक्सेलरेशन है, तो निगेटिव एक्सेलरेशन होने की वजह से ये जी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इन दिस निगेटिव डायरेक्शन। ओके ये ऊपर का पॉजिटिव या नीचे का निगेटिव, तो एक्सेलरेशन निगेटिव में आ रहा है इसलिए ये ग्राफ ऐसा आएगा। ओके तो इस किसी भी पॉइंट पे अगर आप पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करते हो टाइम एक्सिस को तो थीटा जो भी है वो सेम मिल रहा है और हर जगह पे थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसका मतलब है जो भी एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन निगेटिव है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके तो ये था इसके ये कैसे ड्रॉ करना है। अब मेन यहाँ पे हमें जो डिस्कस करना है कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अगर मैक्सिमम हाइट रीच करता है तो मैक्सिमम हाइट के लिए कुछ कंडीशंस है यहाँ पे। जब वो मैक्सिमम हाइट रीच करेगा तो उस वक्त मान के चलिए कि यहाँ पे मोशन स्टार्ट हुआ और उसने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट रीच किया। ओके जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिस्टेंस हम कंसिडर करके चलते हैं h। अब मैं एक अलग कलर के पेन से लिखता हूँ इसको। हाँ तो h इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया t इतने टाइम इंटरवल में, फाइनल वेलोसिटी कितना हो चुका है बेटा? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u। और एक्सेलरेशन कितना लेंगे? माइनस जी। ओके मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए तो यहाँ पे h मैक्स कंसिडर करके चलते हैं। तो ये जो भी इक्वेशंस हो गए h मैक्स के लिए, तो ये इक्वेशन थोड़े चेंज हो गए। इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम देखिए यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन v की वैल्यू जीरो होगा, तो जीरो इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो यू इज इक्वल टू जी टी आएगा, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन अगर देखते हैं तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच, सॉरी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस ट्वाइस जी एच है, तो यहाँ पे वी स्क्वेयर की वैल्यू जीरो होगा, तो यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच आएगा, तो ये मैक्सिमम हाइट है। ओके तो यू की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, और इसी के बेसिस पे एच इज इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस जी, ये इक्वेशन आएगा। मैक्सिमम हाइट कंडीशन के लिए अगर हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, ओके इस इक्वेशन का यूज करते हैं, तो h इज इक्वल टू ध्यान से देखिएगा h इज इक्वल टू u इंटू टी। अब मैक्सिमम हाइट के लिए u की वैल्यू कितना है? जी टी है। अगर मैं u की वैल्यू जी टी सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो g इंटू टी स्क्वेयर आएगा, जी टी इंटू टी टी स्क्वेयर माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। जब इसको जी टी स्क्वेयर माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर, तो h की वैल्यू निकल के आएगा 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो मैक्सिमम हाइट के लिए और एक फॉर्मूला में मिल गया h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर। ओके ये फॉर्मूला में आगे जाके यूज करना है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर आपको पता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी सॉरी इनिशियल वेलोसिटी अगर पता है तो मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा ये हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस जी। ओके सो ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे मेन आपको याद रखना है ये फॉर्मूला h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस जी। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है तो कितना मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में
अपवर्ड एक्शन में हम अगर थ्रो कर रहे हैं वर्टिकल अपवर्ड एक्शन में, तो मैक्सिमम हाइट अगर आपको दिया है तो आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, उसी तरह मैक्सिमम हाइट रीच होने के लिए जो भी टाइम लगेगा तो वो टाइम आप इस इक्वेशन के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हो. अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है तो टाइम ऑफ असेंट कितना है वो इस इक्वेशन के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये दो तीन इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे तीन केसेस थे. द फर्स्ट वन इज द दोनों फर्स्ट दो केसेस में मोशन डाउनवर्ड एक्शन में हो रहा था, ओरिजिन हमने ऊपर कंसिडर किया था, तो उस केस में जी की वैल्यू जो भी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो पॉजिटिव रहेगा. लेकिन लास्ट केस में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड एक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो उस वक्त जो भी एक्सेलरेशन होगा ओके वो माइनस जी ले रहे हैं, क्योंकि हमने ओरिजिन नीचे कंसिडर किया और ऊपर मोशन हो रहा है. तो ये हमें याद रखना है. ओके, अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और रुक जाएंगे. यहाँ पे देखिए जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो ऊपर उसकी वेलोसिटी एक पॉइंट पे जीरो होगा मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद. फिर पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है अप टू दिस पॉइंट जहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया था वहाँ तक. अब जाते वक्त मान के चलिए कि जो भी टाइम लग रहा है अप टू मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ असेंट. ओके, टाइम ऑफ असेंट कंसिडर करके चलते हैं. नीचे से लेके ऊपर तक मैक्सिमम हाइट तक रीच करने के लिए जो भी टाइम लग रहा है इट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ असेंट, और ऊपर से लेके नीचे तक आने के लिए जो भी टाइम लग रहा है दिस इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट. अगर इस पूरे रीजन में जब मोशन हो रहा है अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है ऐसा अगर हम कंसिडर करके चलते हैं सो दिस टी ए इज इक्वल्स टू टी डी, दोनों सेम होंगे. ओके, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट. तो पूरे मोशन में यहाँ से निकलने के बाद ऊपर गया फिर वापस आया उसी जगह पे, किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर थ्रो किया तो ऊपर गया फिर वापस आया, ऊपर जाने के लिए जो भी टाइम लग रहा है इट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ असेंट, नीचे आने के लिए ऊपर से अप टू दैट पॉइंट इट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी होगा टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज इक्वल टू वी कैन से दैट टू टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ असेंट, क्योंकि ये दोनों इक्वल है. अब टाइम ऑफ असेंट जो भी होता है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं यू अपॉन जी, सो देयरफॉर टी टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टू यू अपॉन जी. ये हम इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लग रहा है सो टू यू अपॉन जी, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर. अगर हमने कम इनिशियल वेलोसिटी लगाया कम इनिशियल वेलोसिटी दिया ओके तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कम रहेगा. अगर बहुत जोर से फेंक रहे हो तो पूरा मोशन होने तक वापस आने तक जो भी टाइम लग रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट उसकी वैल्यू ज़्यादा होगा. ओके, अब इस केस में अब मान के चलिए कि एयर का रेजिस्टेंस है. ओके, जब पूरा मोशन हो रहा है बेस से लेके ओरिजिन से लेके अप टू मैक्सिमम हाइट और वापस आ रहा है. ओके, उस केस में वो ऊपर जाने के लिए जो भी टाइम लग रहा है इट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ असेंट, नीचे आने के लिए जो भी टाइम लग रहा है इट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट. तो उस केस में अगर एयर रेजिस्टेंस है मोशन होते वक्त, तो एयर रेजिस्टेंस अगर है तो टाइम ऑफ असेंट ज़्यादा रहेगा कि टाइम ऑफ डिसेंट रहेगा, इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके, और उसके बाद उसी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम उस वीडियो में सॉल्व करेंगे. तो टाइम ऑफ असेंट ज़्यादा है कि टाइम ऑफ डिसेंट ये डिस्कशन हम नेक्स्ट करेंगे. तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, जितने भी कंसेप्ट हमने स्टडी किए उनको यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेकर अप्लाई करके देखते हैं. अ बॉल इज थ्रोन ऑफ एट अ स्पीड ऑफ 4 meters per second, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, टेक जी इज इक्वल्स टू 10 meters per second square. जब तक प्रॉब्लम में जी की वैल्यू 10 लेने को नहीं बोलते आपको 9.8 ही लेना है. अगर उन्होंने प्रॉब्लम में बोल दिया कि जी की वैल्यू 10 meters per second square लीजिए तो हमें जी की वैल्यू 10 लेना है. ओके, अ बॉल इज थ्रोन अप एंड थर्ड केस एट अ स्पीड ऑफ 4 meters per second, यानी इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल. ओके, अब मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल का फॉर्मूला कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम हाइट जो भी रीच कर रहा है इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टॉइस जी. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यू स्क्वायर अपॉन टॉइस जी. तो यू स्क्वायर मैक्सिमम हाइट एस एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टॉइस जी.
ओके, यू की वैल्यू कितना है बेटा, 4 मीटर है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो ये हो जाएगा 16/20, इसकी वैल्यू आएगा मेरे ख्याल से 0.8 मीटर, हो गया आपका सवाल। मैक्सिमम हाइट जो भी रीच कर रहा है इट इज इक्वल टू 0.8 रीच करेगा अगर आप इतनी स्पीड से उसको अपने थ्रो कर रहे हो तो। प्रॉब्लम छोटा था, ओके तो अब थोड़ा टाइम बचा है तो हम टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इन केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस वो देख ही लेते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे भी बहुत रश हो चुका है, इसको भी हम हटा देते हैं। ओके, अब मान के चलिए किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर थ्रो किया, यहाँ से ऊपर थ्रो किया विथ इनिशियल वेलोसिटी यू। ओके, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी उसका जो भी डी एक्सेलेशन हो रहा है, इट इज़ अ एक्सेलेशन हो रहा है, इट इज़ अ माइनस जी, और वो एक्सेलेशन अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो जो भी एक्सेलेशन प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, जबकि वेलोसिटी ऊपर है, ऊपर के डायरेक्शन में है। ओके, पार्टिकल ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो जैसे जैसे उसको एयर पार्टिकल मिलेंगे रास्ते में तो उन एयर पार्टिकल की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, उसको हम एयर ड्रैग बोलेंगे, और उस एयर ड्रैग की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, वो भी एक्सेलेरेशन बैकवर्ड एक्शन में प्रोड्यूस होता है। ओके, तो यहाँ पे जी डाउनवर्ड एक्शन में है और ये एयर ड्रैग डाउनवर्ड एक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब इस केस में जब वो मैक्सिमम हाइट रीच करेगा यहाँ तक, ओके तो यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम हाइट रीच होने तो जो भी टाइम लग रहा है दिस टाइम इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ असेंट। तो टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इट्स इक्वल्स टू यू अपॉन नेट एक्सेलरेशन, तो इनिशियल वेलोसिटी अपॉन नेट एक्सेलरेशन। अपन नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, एक तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा एयर ड्रैग की वजह से, तो नेट एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे जी प्लस ए। ओके, सो ये फर्स्ट फॉर्मूला में मिल चुका है यहाँ पे, टी ए इज इक्वल टू यू अपॉन जी प्लस ए। सेकंड, जब पार्टिकल यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए जो भी टाइम लगेगा उसको हम टाइम ऑफ डिसेंट बोलेंगे। अब टाइम ऑफ डिसेंट अगर हम यहाँ पे लेते हैं सो दिस शुड बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला। ओके, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो, एच इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मान के चलिए, तो फॉर टाइम ऑफ डिसेंट एच इज इक्वल्स टू 1/2। नेट एक्सेलेरेशन कैसा होगा, अब जब पार्टिकल नीचे आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो उसका ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन एयर ड्रैग जो भी रहेगा वो ऊपर रहेगा। क्यों, क्योंकि मोशन कैसे भी हो अपवर्ड या डाउनवर्ड, एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो भी ड्रैग होता है उसका, ओके उस पार्टिकल का जो भी डी एक्सेलेरेशन हो रहा है वो हमेशा उस पार्टिकल के वेलोसिटी के अपोजिट होता है। जाते वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में था, ऊपर, तो एयर ड्रैग का डायरेक्शन कौन सा होता है, नीचे। अब पार्टिकल नीचे आ रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है, तो एयर ड्रैग का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऊपर। तो इस केस में जो भी नेट एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इट इज अ जी माइनस ए, तो जी माइनस ए इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ओके, सो टाइम ऑफ डिसेंट है ये टी स्क्वायर, ये हमने लिया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला एक है, लेकिन टाइम ऑफ असेंट के वक्त अगर हमें हाइट निकालना है तो हाइट का फॉर्मूला क्या आएगा, दिस वन। सो एच इज इक्वल्स टू 1 मिनट, H is equals to U square upon twice G, okay, G plus A, ये ऊपर हो गया, H is equals to U square upon twice G। अब U की वैल्यू कितना आएगा बेटा, U की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो इट्स इक्वल्स टू, U की वैल्यू आएगा, इस इक्वेशन के बेसिस पे हम U की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो U की वैल्यू होगा टी ए ब्रैकेट में जी प्लस ए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर,
ओके, ये होगा यू स्क्वायर की वैल्यू अपॉन टू जी प्लस ए, ये टाइम ऑफ असेंट के वक्त की वैल्यू है। अब ये एच और ये एच हाइट तो दोनों सेम है, तो इन दोनों को हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, सो टी ए स्क्वायर जी प्लस ए, जी प्लस ए अपॉन टू इज इक्वल्स टू जी माइनस ए इंटू टी डी स्क्वायर अपॉन टू। ओके, ये टू टू गेट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे टी डी स्क्वायर अपॉन टी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी डी स्क्वायर अपॉन टी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी प्लस ए अपॉन जी माइनस ए। अब इसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, इसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर का देखते हैं तो g प्लस ए है और नीचे g माइनस ए है। अगर हम इन दोनों का रेशो लेंगे तो डेफिनेटली ये रेशो जो भी होगा वन से ज़्यादा आएगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन सी दैट टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू टाइम ऑफ असेंट। तो ये आपको याद रखना है। ओके, ये था डिस्कशन अबाउट टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इफ एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है, MCQs। ओके, तो नेक्स्ट एक दो वीडियोज़ सिर्फ MCQs हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।